के स्कूल से अलग अलग स्कूल से आए हुए प्यारे बच्चों, मेरे से पहले आज का जो दिवस है जिसको हम मना रहे हैं उसके बारे में आपको विशेष रूप से जो हमारे मेहमान खसूसी थे उन्होंने बता दिया था। छोटी बच्चों की स्पीच भी थी, उन्होंने बखूबी से आज के दिन का महत्व आप सभी को बता दिया है। यहाँ के एज एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित हुए सभी जो हमारे मेहमान हैं, जो दर्शक हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम को करने में अपना पूरा रूप दिया है, उन सभी का आभारी हूँ। हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, PWD से हो, मेडिकल से हो, सभी का इसमें श्रेय रहता है। और ये हम भलीभांति जानते हैं कि कोई भी जो हमारा कार्यक्रम है वो बिना सभी के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। हम मॉनेटरी इसमें कंट्रीब्यूशन हो, जहाँ शारीरिक रूप से कुछ महकमों ने जहाँ काम किया है उनको मैं इस काम इस जो आज का हमारा प्रोग्राम था उसको कंप्लीट करने में जो उन्होंने मदद की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। जैसे आज का जो दिन था ये संविधान का दिवस था, इस पर मैं भी एक जो जहाँ पर आए हुए हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको यही आग्रह एक जहाँ से मैं प्रण लेने के लिए कहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स भी देता है, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी है। हम मूलतः होता क्या है, अपनी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको याद रखते हैं, जो ड्यूटी में उसको भूल जाते हैं। मैं यही से सभी को यही निवेदन करूंगा कि ये प्रण लें कि फंडामेंटल जो हमारे हकूक हैं जो हमारे संविधान ने दिए हैं उसके साथ साथ हमारा जो कर्तव्य है उसको भी पूरा करें। अगर कहीं पे बिजली का कोई हो, पानी का कोई हो, कोई भी किसी महकमे का हो, तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उसको उसके लिए उसकी मांग करें। लेकिन साथ में साथ एक ऐसा भी अपना ये दिनचर्या बना लें, अपने में ये ऐसे गुण लाएं कि कहीं पे अगर कोई नल है वो व्यर्थ बह रहा हो उसको हम उसको बंद करें, बल्ब ऐसे चल रहा हो उसको बंद करें, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनकी तरफ अपनी जिम्मेवारी नहीं देंगे तो हम एक अच्छे नागरिक नहीं कहलाए जाएंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रायः पूरे जो हमारा विश्व है 7 या 8 इसमें अलग अलग धर्म हैं, सभी धर्मों के लोग हैं जो हमारे इस देश में रहते हैं। हमारी एकता एकाग्रता जो हमारी जो निष्ठावान है, आज के दिन मैं यही कहूंगा कि ये सबसे पहले एक देश प्रेमी बने, देश के लिए देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार रहे। बलिदानों जो हमारे जितने शहीद हुए हैं उन्होंने तो बलिदान दे के देश को हमें आजाद करवा दिया, अब उसको आगे चलाने के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं उनको मूलतः याद रखें और उनको पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।